जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, हिंदू मैरिज एंड अडॉप्शन एक्ट के अनुसार एक हिंदू एक ही शादी कर सकता है। यदि दूसरी शादी करता है तो उसे उचित न्यायालय द्वारा अमान्य करार दिया जाना चाहिए। लेकिन बिना न्यायालय के अमान्य करार दिए ही भारतीय सेना में दूसरी पत्नी को पेंशन नहीं दी जाती है, और इसी को लेकर आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ ने एक बड़ा शानदार फैसला सुनाया है, जिसमें यह कहा है कि सेना को नहीं अधिकार कि विवाह को अमान्य घोषित कर दें। ट्रिब्यूनल ने कहा, दूसरी पत्नी को भी है पेंशन का अधिकार। अब उन सैनिकों को राहत मिली है जिन्होंने किसी कारणवश दो शादी की है और दूसरी पत्नी पेंशन से वंचित है, अब उसको भी पेंशन मिलेगी। एफटी ने कहा है कि सेना को यह अधिकार नहीं है कि वे किसी के विवाह को अमान्य करार दे सके। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ ने विवाह को अमान्य करार देकर सैनिक की दूसरी पत्नी को फैमिली पेंशन से इनकार करने के आदेश को रद्द करते हुए 3 माह में पेंशन जारी करने का आदेश दे दिया है। पूरी खबर हम यहाँ पर जानते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत किसी व्यक्ति के विवाह को अमान्य करार देने के लिए सक्षम अदालत का आदेश अनिवार्य है। सेना को यह आदेश और अधिकार नहीं है कि वे किसी के विवाह को अमान्य करार दे सके। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ ने विवाह को अमान्य करार देकर सैनिक की दूसरी पत्नी को फैमिली पेंशन से इनकार करने के आदेश को रद्द करते हुए 3 माह में फैमिली पेंशन जारी करने का आदेश दिया है। याचिका दाखिल करते हुए कांगड़ा निवासी चंचला देवी ने बताया कि उसके पति गोरखुराम भारतीय सेना में थे। उनका पहला विवाह बिमला देवी के साथ 1966 में हुआ था, लेकिन वे दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लगी। गोरखू ने याची से 1970 में विवाह कर लिया और 2010 में गोरखुराम की मौत हो गई और याची ने फैमिली पेंशन के लिए आवेदन किया। सेना ने आवेदन रद्द करते हुए कहा कि गोरखुराम ने पहली पत्नी से बगैर तलाक लिए उसके जीवित रहते चंचला देवी से विवाह किया था, ऐसे में उनका विवाह वैध नहीं है। यानी जो यहाँ गोरखुराम पूर्व सैनिक है, उसने पहला विवाह बिमला देवी के साथ में किया, लेकिन बिमला देवी से विवाह करने के बाद गोरखुराम ने जो इसमें पेटिशनर है चंचला देवी, उनसे भी विवाह कर लिया। तो गोरखुराम ने दो शादी कर ली, लेकिन 2010 में गोरखुराम की मौत हो गई। उसके बाद में जो पहली पत्नी है बिमला देवी, उनको तो फैमिली पेंशन मिल रही है, लेकिन जो दूसरी पत्नी है चंचला देवी, उनको पेंशन देने से सेना ने इनकार कर दिया। अब इसके बाद एफटी ने फैसला सुनाया है कि जो दूसरी शादी है वो अमान्य करार नहीं दी गई है। जब तक किसी कोर्ट द्वारा इस शादी को अमान्य करार नहीं दिया जाता है तो कोई पेंशन बंद नहीं कर सकता। तो अब चंचला देवी को भी एफटी चंडीगढ़ ने पेंशन देने का आदेश सुना दिया है। तो इस प्रकार ऐसे कई मामले सेना में है जहां दो दो पत्नियां होने के बावजूद जो पहली पत्नी है उसको फैमिली पेंशन मिल रही है, या फिर आगे भी इस प्रकार के पीपीओ में नोटिफिकेशन हो रखा है कि पहली पत्नी को ही पेंशन मिलेगी और दूसरी फैमिली को फैमिली पेंशन या आने वाले समय में सेना वंचित कर सकती है। लेकिन एफटी के इस फैसले के बाद यदि ऐसा कोई मामला आता है तो इसी कोर्ट के रेफरेंस में एफटी से जजमेंट ले सकते हैं, दूसरी पत्नी को भी फैमिली पेंशन मिलेगी। तो ये थी खबर साथियों, एक एफटी चंडीगढ़ का फैसला जिसमें दूसरी पत्नी से विवाह को किसी न्यायालय द्वारा अवैध करार नहीं दिया जाता तब तक उसकी पेंशन बंद नहीं की जा सकती। जय हिंद साथियों।